बोलते हैं हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन। आज अगर तमिलनाडु का जो हालेलुया बोला तुम हालेलुया बोलो और जोर से आमेन। प्रभु को धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। जो भजन संगीत जो लिखा है दाऊद ने बताया है, ये मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद। और मुझे बुलाया जो आईएम का सेवक पासवान जो याकूब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ताली बजाकर याकूब के लिए भी धन्यवाद करेंगे। आमेन। आप सबको देखने हम बहुत खुशी हैं। बहुत दिन से हम आपको देख रहे हैं, आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम देखते हैं। लेकिन आज आप अच्छे से देखने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुशी हैं आपके बीच में वचन बोलने के लिए। वचन के पहले एक गीत गाएंगे। हालेलुया आमेन। मेरा लड़का ने गीत गाया, हमको भी इच्छा आया गीत गाने के लिए। हालेलुया, आपको पता होगा इस गीत स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बाहों में लेने अब आजा। कितने लोग को मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा। ये मुंबई में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने गीत गाया। एक तमिल दोस्त हैं जूलियस बोल के, उनका गीत है। थैंक यू हालेलुया। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। हे स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। जीवन के रावों में तेरे बनावों में ले चल हमको साथ 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 सा। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। हे स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। शांतवर सोर शब्दों से मानव को अपने हाथों से, शांतवर सोर शब्दों से मानव को अपने हाथों से। तूने बनाया सृष्टि को, तूने बनाया हम सबको। तूने बनाया सृष्टि को, तूने बनाया हम सबको। तू पालनहारा, तू धारण हारा, तू मुक्ति दाता, हम सबको भी दाता ले चल हमको साथ अब तू। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। हे स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। मसीहा जान गे तो हम सबका एक ईमान गे तो, प्यार मसीहा जान गे तो हम सबका एक ईमान गे तो। सब दकली पोखो तू मिटा अपनी रोशनी से चमका, सब दकली पोखो तू मिटा अपनी रोशनी से चमका। दुनिया में दूजसा कोई नहीं दूजा, आजा राजा मेरा दिल में समा जा, जल्दी से अब आजा अब तू। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। हे स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। जीवन के रावों में तेरे बनावों में ले चल हमको साथ 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 सा। स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। हे स्वर्ग का यीशु महाराजा हमें बागों में लेने अब आजा। 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 आमेन हालेलुया
आमेन। प्रभु को धन्यवाद। वचन पढ़ेंगे सृष्टि गीत उसका दूसरा अध्याय वचन 15 पढ़ेंगे। कोई भी सृष्टि गीत 2:15 बाइबल किन के पास है सब लोग खोल खोल कर पढ़ेंगे। 15 वचन पढ़िए। हाँ, बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। आमेन, हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आपका जो हालेलुया है गेट तक भी नहीं पहुंचा। हालेलुया, अपना हालेलुया जो सर्कल तक जाना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। आमेन, प्रभु को धन्यवाद। यहां पर देख रहे हैं कि वचन बोलेंगे जो छोटी लोमड़िया दाकु की बारिया में जो बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे त्राकु के बारियों में फूल लगे हुए हैं। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर अपन अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है लोमड़िया, छोटे लोमड़िया। लोमड़िया देखा है? लोमड़िया पता है? सब लोग देख रहे कि सिर्फ हम देखा है, आप लोग नहीं देखा है। आमेन, लोमड़िया मालूम है हम आए कि नहीं? हाँ, लोमड़िया आप लोग सामने देखा है कि नहीं? नहीं तो टीवी में देखा मालूम नहीं। लोमड़िया उसका आदत क्या मालूम है? उसका स्वभाव पता? स्वभाव क्या है लोमड़िया का? इधर उधर भागते खाते, वो सब जानवर खाते हैं। उसका स्वभाव क्या है? बहुत चालाक है। क्या है? बहुत चालाक है। अब कोई व्यक्ति को भी हम बोलते हैं ना, अरे ये आदमी बहुत चालाक है ना, ऐसा बोलते कि नहीं? हालेलुया, आमेन। ये लोमड़िया है बहुत चालाक है, आमेन। अभी जो डाकू की जो बारिया त्राक के जो खेती है उसके पूरा चारों ओर में गेट लगा हुआ है, क्योंकि कोई भेड़ बकरा नहीं तो कोई जानवर अंदर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, अंदर जाने से उसका जो फल को बिगाड़ती है। इसलिए जो भी खेती है तो उसका चारों ओर क्या करते हैं, कुछ कांटे लगाते हैं, नहीं तो गेट लगाते हैं, कुछ बंदोबस्त करते हैं। ऐसे ही कितना भी बंदोबस्त करने से भी ये लोमड़िया क्या करते हैं मालूम है, खेती में घुस जाते हैं। कैसा कैसा घुसेगी? चारों ओर क्या लगा हुआ है? गेट अच्छे से लगा है, नहीं तो कुछ कांटे लगा हुआ है, फिर भी अंदर घुस जाते हैं। ये लोमड़िया क्या करते हैं, वो गेट के आगे से बाहर से ओल डालकर अंदर आ जाते हैं। हालेलुया, ओल डालकर अंदर आ जाते हैं, आकर जो खेती को बिगाड़ देते हैं। हालेलुया, आज अपन देखने वाला है ये लोमड़िया कौन है। लोमड़िया कौन है? लोमड़िया बोला तो फॉक्सेस, इंग्लिश में फॉक्सेस बोलते हैं। लोमड़िया कौन है बता तो? सैतान। हालेलुया, सैतान पता है? देखा नहीं रहेगा लेकिन सुना ना, बाइबल में सैतान के बारे में बहुत लिखा है। आमेन, सैतान जो अच्छे अच्छे कलेशिया को अच्छे अच्छे परिवार को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। हालेलुया, जो प्रार्थना करने वाला परिवार को भी प्रार्थना को क्या करते हैं, रुका देते हैं। जो अच्छा बाइबल वचन पढ़ते हैं उस परिवार को बिगाड़ देते हैं, और जो अच्छे उपवास करते हैं उनको भी उपवास करने नहीं देता है। ऐसा जो सैतान लोमड़िया अपन बाइबल में पढ़ते हैं वो सैतान है। आमेन, अच्छा कलेशिया में अंदर घुसकर कलेशिया को बिगाड़ देते हैं। आमेन, कोई कोई कलेशिया में देखो बहुत लोग बैठते हैं, संदेश के समय क्या करते हैं, लोग सो जाते हैं। देखा कभी इधर कोई कलेशिया में? आप लोग तो अच्छे हैं, अच्छे से ही बैठा है, लेकिन कोई कोई कलेशिया में संदेश शुरू हुआ तभी से संदेश होने के जो अंत होने के समय तक क्या करते हैं, सो जाते हैं। ये कौन नींद ले आते हैं? सैतान। हालेलुया, मेरा हिंदी अच्छा जानते हैं आप लोग, सुन आप समझते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। जो सैतान अंदर अपना परिवार में आने से भी परिवार में बहुत झगड़ा हो जाते हैं।
हालेलुया, कितना लोग विश्वास करते हैं शैतान अपना परिवार में अंदर कैसा आते पता नहीं। हमने बोला ना वो कैसा भी घुसेंगे, थोड़ा भी गैप मिले ना अंदर आ जाते हैं। ऐसा विश्वासी को स्वभाव क्या है, अपन चार बात को अपन सुनेंगे। जो ऐसा कलेसे में शैतान घुसने से क्या होते हैं, और जो परिवार में अच्छा विश्वासी के परिवार में शैतान घुसने से उनका स्वभाव कैसा होते हैं, वो चार बात में हम बोलकर हम खत्म करना चाहते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं जो मार्क जो पुस्तक है उसका 11वां अध्याय 24 वचन, मार्क 11:24, कोई पढ़ो। कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तू प्रार्थना कर लो कि तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए जो जाएगा वो जाएगा। हालेलुया, यहाँ पर लिखा कि प्रार्थना करने से अपने को प्रार्थना का जवाब मिल जाते हैं। कभी विश्वास होना चाहिए। अगर कोई कोई प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं, अविश्वास करते हैं, क्या करते हैं, विश्वासी को क्या नहीं होना चाहिए, बोलो क्या नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आप लोग अच्छे सुनो, अविश्वास नहीं होना चाहिए। कोई कोई प्रार्थना करेगा अच्छा से, प्रभु मेरा मेरे को मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, ज्ञान चाहिए, मांगते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद वो मिलेगा क्या, नहीं, परमेश्वर देगा क्या, नहीं, ऐसा अविश्वास करते हैं। जो अविश्वास कौन लाते हैं अपना दिमाग में, कौन लाते हैं, विश्वास को प्रभु लाते हैं, लेकिन अविश्वास को कौन लेके आते हैं, शैतान। हालेलुया, ये अविश्वास कभी नहीं करना। परमेश्वर का वचन बोले कि राय का समान छोटे सी विश्वास होने से भी बड़ा भाड़ को अपन जाओ बोला तो वो जाकर समुद्र में गिर जाते हैं। इसलिए अपने को विश्वास चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। जो अपन जुना करने में पढ़ते हैं, जो मिस्र देश से प्रभु ने अपना प्रजालों को जो काना देश में ले आया, कितना साल ले आया मालूम है, कम से कम 40 साल, कितना साल, 40 साल, जो पानी नहीं भोजन नहीं ऐसा रास्ता में ले आया परमेश्वर ने 40 साल तक। लेकिन रास्ता में मूसा ने बताया इसराइल को, 12 लोग को चुनकर अब लोग जाकर खाना देश को ले आओ, देखकर आओ, ये लोग ने देखकर आया, 12 लोग देखने गया और वहाँ का फल लेकर आया, और उसमें 10 लोग बताए कि अरे खाना देश में अपन प्रवेश नहीं करते, कर सकते, क्योंकि वहाँ का लोग बहुत बड़ा बड़ा गुंडास लोग, आमीन, बहुत बड़े बड़े लोग है, अपन जाने से वो लोग अपने को मार डालेंगे, ऐसा संदेश यहाँ आकर बताया तो लोग डरने लगा, अरे ऐसा देश में अपने को ले जा रहा परमेश्वर क्यों, बोलकर सब लोग को डरने लगा। लेकिन 2 लोग 10 लोग जो अच्छा संदेश नहीं लाया, लेकिन 2 लोग बता रहे कि वो देश अच्छा देश है। हालेलुया, अपन आराम से जाकर वहाँ जी सकते हैं। परमेश्वर ने जो देश दिया है वो अच्छा देश है, वहाँ फल है, वो गुंडा लोग होने दो, लेकिन उनको अपन मार डालकर अपन वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। विश्वास से बात किया, लेकिन 10 लोग को क्या नहीं है, विश्वास नहीं था, अविश्वास था, वहाँ नहीं प्रवेश कर सकते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करने समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया, कितना लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आमीन, हालेलुया। अविश्वास से नहीं प्रार्थना, अरे वहाँ जाने से ये होगा वो होगा ऐसा फलाना फिलाना बोलती रहेंगे, नहीं करना है। अपना परमेश्वर है, अपना परमेश्वर जिंदा है, कितना लोग विश्वास करते हैं अपना परमेश्वर जिंदा है कि नहीं, जिंदा परमेश्वर अपने बचाएगा कि नहीं, बचाएगा, विश्वास होना चाहिए। अविश्वास से जो भी करेगा वो शैतान आपका दिमाग में आकर अविश्वास में चलने के लिए उन्होंने बोलता है, अविश्वास कभी नहीं करना है। परमेश्वर अपने को विश्वास देकर चलाते हैं, अपना एक नाम है मालूम है, हमको पासवान बोलते हैं, लेकिन आप लोग को क्या बोलते हैं, क्या हो, विश्वासी लोग, क्या लोग, सब लोग बोलो हम विश्वासी लोग, बोलो अपना हाथ रखी बोला ऐसा, हम विश्वासी लोग।
इसलिए अपना दिमाग में कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। आमेन आमेन बोलो। अविश्वास नहीं होना चाहिए, कभी भी विश्वास के साथ चलना है। अगर अविश्वास से चलते तो वो शैतान आपको चला रहा है। आमेन। शैतान नहीं चलाना चाहिए, परमेश्वर मार्ग से अपन चलना है। आमेन। अगर अविश्वास से चलते तो आपका घर में कौन आया? लोमड़ी आ गया। हालेलुया। वो कैसा आया पता नहीं, शैतान के समान लोमड़ी आकर आपको बिगाड़ते हैं। ऐसा बिगाड़ने नहीं देगा, नहीं देना चाहिए। परमेश्वर अपना साथ है। आमेन। और दूसरा सेकंड जो है फिलिपियो 2:14 में बताए कि फटाफट पढ़ी है फिलिपियो 2:14। कोई भी पढ़े मेरे लिए। आमेन। दूसरा क्या है? सब काम बिना गुड़गुड़ाए और बिना विवाद के किया करे। आमेन। दूसरा जो बात है, कोई कोई घर में देखो कभी भी गुड़गुड़ाने करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? गुड़गुड़ाने। जो बहन लोग नहीं तो भाई लोग कभी भी गुड़गुड़ाने करते रहेंगे, और गुड़गुड़ा करते रहेंगे तो आपके घर में कौन आया है? लोमड़िया, शैतान के समान लोमड़िया आया है। अगर अभी विश्वास के घर में लोमड़िया शैतान का सामान आया है तो घर में शांति रहेगा? शांति रहेगा कि नहीं बोलो? क्या रहेगा? झगड़ा होती रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगा, और बाइबल नहीं पढ़ेगा, और अच्छे से प्रभु में विश्वास में नहीं होगा। कि कोई गुड़गुड़ाने कभी भी ये नहीं वो नहीं फलाना फिलाना बोलती रहेंगी, परमेश्वर का अंग उदाहरण जगह ही नहीं है। इसलिए गुड़गुड़ाने नहीं करना है। वचन अच्छे से पढ़ने से सब काम बिना गुड़गुड़ाए और बिना विवाद के किया करें। आमेन। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना के साथ अपन चलना है, गुड़गुड़ाने नहीं करना। कोई कोई कलेशे में भी आकर गुड़गुड़ा करते रहेंगे, अरे क्या गीत गाए, क्या ये किया वो किया, ये नहीं वो नहीं, ऐसे गुड़गुड़ाने करते रहेंगे। ऐसे गुड़गुड़ाने करते रहे तो आपका जीवन में खुशी नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। क्योंकि जो शैतान आपको विश्वास को बिगाड़ते हैं, आपका जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं वो चलने नहीं देगा। गुड़गुड़ाने बिना गुड़गुड़ाने से रहना है। परमेश्वर के साथ अपन चलना है तो अच्छा विश्वास से, गुड़गुड़ाने नहीं करने से अच्छे से प्रभु के मार्ग में चल सकता है। हालेलुया बोलो। हालेलुया आमेन। प्रभु के सामने अपन अच्छे से चलना है। अब लोग पढ़ सकते हैं मत्तयू 18 में 19-20 में क्या लिखा है। मत्तयू 18:19-20 में आप लोग देख सकते हैं, 18 वो जो अध्याय है वचन 19:20 में वहाँ लिखा कि जो कोई मेरे नाम से एकता होने से हम उनके बीच में रहेंगे। हालेलुया। एकता होना चाहिए। घर में भी अपन 4 लोग 5 लोग 3 लोग रहते हैं, एकता होना चाहिए। आमीन। एक बोलेंगे एक गीत गाओ वो गीत गाओ, फिर क्या नहीं होगा? प्रार्थना नहीं होगा। एकता हो। एक विश्वासी के घर में क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। वही वचन 20वां वचन में पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई 2 और 3 प्रभु के नाम से जो प्रार्थना करते हैं उनके बीच में अपना परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम धन्यवाद। आमेन। गुड़गुड़ाने नहीं होना चाहिए। एक दो कहीं भी मिलने से अपन प्रार्थना कर सकते हैं। अपना फैक्ट्री में जो काम करते एक समय 2-3 लोग मिल गया, समय मिला तो क्या करने का? प्रार्थना करने का। वहाँ गुड़गुड़ाने नहीं करने का, अरे अपना मालिक ऐसे, ओ ऐसे, ये ब्रदर ऐसे, वो बहन ऐसे, नहीं बोलना है। विश्वासी लोग अच्छे से शांति से समय मिलने से क्या करना, क्या करना बोलो? प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना करने से अपना जीवन जो विश्वास और आगे बढ़ेंगे। गुड़गुड़ाने करना नहीं, प्रभु के नाम से और आगे बढ़कर प्रभु के नाम को महिमा करना है। और तीसरा थर्ड क्या है पढ़ो, नीति वचन 10:19 जो पढ़ी है, नीति वचन 10वां अध्याय वचन 19 प्रोवर्ब्स 10:19 कोई पढ़ो हिंदी में। हाँ आमेन। जहां बहुत बात होते हैं वहां क्या होते हैं? अपराध भी होता है। ये वचन अच्छा सुना है आप लोग, समझ गया?
ज्यादा बात करना नहीं चाहिए। कोई कोई लोग देखो बात करने के लिए कोई सहेली मिला तो बोलते रहेंगे, कोई दोस्त मिला ना चार घंटा भी उनसे बात करती खड़ा रहेंगे, बैठते रहेंगे। बाइबल बोलते कि जहां बहुत बात होते हैं वहां अपराध भी होता है। आमीन, बराबर है कि नहीं? वचन सही बोला है कि नहीं? बराबर है, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। थर्ड, आप लोग ज्यादा बात करते हैं तो उसमें पाप भी हो जाते हैं। दूसरे किसे बारे में बात करेंगे, हमें नीचे ऊपर उनको करके बात करेंगे तो वो परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं है। ज्यादा बात करने, अगर ज्यादा बात करते रहते वचन के नहीं बात करते हैं तो वहां कौन आया है? लोमड़िया, शैतान के सामने आ जाते हैं, शैतान के जो दैसा। इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए चुप रहना है। वचन जो बहुत वचन लिखा है, परमेश्वर के सम्मुख में आए तो क्या करना, अच्छे से बैठना और ज्यादा बात नहीं करना। कोई कोई लोग बात करना बोला तो बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा इसके बारे में उसके बारे में आजू बाजू के लोग के बारे में बोलने है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं करना है। परमेश्वर बोलता है ज्यादा बात मत करो। हालेलुया, और बात करते तो प्रभु का वचन बोलो। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन बोलने का, कहीं भी जाते हैं बस में जाते हैं ट्रेन में जाते हैं, नहीं तो चल के जाते हैं अपने साथ, बहुत लोग आ रहे तो उनसे बात करते हो, अपना क्या बोलना, प्रभु के सामर्थ्य को बोलना है, समर प्रभु के बारे में बोलना, प्रभु का वचन बोलना है, वो कुछ नहीं। लेकिन ज्यादा बात कर अपराध नहीं होना है। हालेलुया, आमीन, नहीं होना है। परमेश्वर परमेश्वर वही अपने को बोलता है ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा बात करने से अपराध हो जाते हैं। अगर ज्यादा बात करते तो लोमड़िया शैतान के सामान आपका दिमाग में घुसकर आपको दिमाग को बिगाड़ते हैं, परिवार को बिगाड़ते हैं, घर में शांति नहीं रहता है। ज्यादा बात नहीं करना है। हम कॉलेज पढ़ते समय ही, बाइबल कॉलेज पढ़ते समय ही, शनिवार और रविवार को सेवा में एक चर्च में दो लोग को भेजता है। ऐसे ही बस में जाते समय जो चेन्नई में जो दीवार में पिक्चर बहुत लिखा रहते, जो चित्र बोलते तमिल में, जो पिक्चर लिखा जो लगा रहते हैं, उसमें एक पिक्चर हम देखा कि एक ब्रदर ने एक पानी जो जमा हुआ वहाँ जाके बैठा है, उसमें चाल लगाते मच्छी पकड़ने के लिए। हमें मच्छी पकड़ने के लिए अगर चाल में जो डालते हैं तो मच्छी आके बस जाते हैं, फिर चाल निकाल के क्या करते हैं, ले जाते घर में, अच्छे से मच्छी को क्लीन करके मसाला लगा के फ्राई करके खा लेते हैं। हालेलुया, इसलिए हम क्या बोलना चाहते हैं, वहाँ लिखा कि मच्छी को लिखा कि तुम अपना मुंह बंद रखना, मुंह खोल के रखने से खोलने से तुम वो चाल में फंस जाते हैं, इसलिए मुंह बंद रखना, ऐसा लिखा था वो चित्र में। इसलिए कभी कभी अपना ज्यादा बात करने से अपना मुंह से कुछ गलत बात आ जाते हैं, सही है कि नहीं? बराबर, आप लोग कोई ब्रदर से बैठकर टाइम बहुत तीन घंटा चार घंटा बैठने से उसमें कोई कोई बात क्या हो जाते हैं, गलत भी अपन बोल देते हैं। इसलिए ज्यादा बात किसे नहीं करना है, बात नहीं करना। जो भी बात करते हैं प्रभु का नाम महिमा होने के लिए आप बात करो, प्रभु का नाम को महिमा के लिए कुछ भी बताओ। अरे चर्च में आओ, प्रभु आपको चंगाई करेगा। कोई बीमारी वाले को देखने से आप लोग क्या बोलेंगे, चर्च में आओ, नहीं तो हम आके आपका घर में प्रेयर करते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास के साथ बात करना है। आमीन। कोई कोई विश्वास लोग क्या करते हैं, कोई बीमारी लोग को देखने से, अरे ये दवा खाओ वो दवा खाओ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा बहुत बात बोलते रहेंगे, लेकिन प्रभु का नाम वहाँ नहीं आएगा। अरे पहला प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको चंगाई करेगा, प्रभु आपको चंगाई करेगा, बोल के विश्वास का जो वचन उनको बोलना है, जो चाहिए उनको बोलना पहला, बाद में ये दवा का वो दवा का बोल सकते हैं, पहला प्रभु का नाम वहाँ महिमा होना है। आमीन, यही प्रभु अपने बीच में आज बोलने लगा है। और आखिरी में जो आखिरी पॉइंट है मुझे है,
लूका 14 अध्याय निकाल के रखो आप लोग, लूका जो 14 अध्याय वहाँ अपन देख सकते हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, अरे ब्रदर आज थोड़ा अपन मांगते हैं पानी, हमारा घर में पानी नहीं आया, थोड़ा पानी दो, ऐसा मांगने से वो पहले ही बोलेंगे अरे मुझे क्षमा करो मुझे ही पानी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। किससे ज़्यादा क्या नहीं करना, क्षमा नहीं मांगना। आप लोग गलत किया तो क्षमा मांग सकते हैं, आमीन, नहीं तो किसी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी बात के लिए आप लोग क्या करते हैं, अरे क्षमा करो क्षमा करो। आपसे होगा कोई आके पैसा मांगते अरे वो 100 रुपये देना, आप लोग क्या करना चाहिए, अच्छा विश्वास है तो आपसे होगा तो क्या करना, देना है, मदद करना। आप रेखी भी क्या बोलेंगे, अरे मुझे क्षमा करो मैं दे नहीं सकते, ऐसे बोला तो क्या अच्छा नहीं ना है। इसमें ऐसे ही हुआ, लोग 14 में आप लोग 16 वचन से लेके देखा तो वहां परमेश्वर ने बड़ा भोजन आया तैयार किया, बड़ा भोजन तैयार किया परमेश्वर ने, वहां 3 लोग को बुलाया, आमीन, बहुत लोग को बुलाया, आमीन, बहुत लोग नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने 3 लोग को बोल रहे हैं कि 3 लोग क्षमा मांग रहे हैं। पहला लोग क्या बोल रहे कि खेत में मोल लिया है, हमने देखने जाना है। उसने क्या बोलते, भोजन खाने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, अरे भोजन खाने के लिए आओ, भोजन तैयार है, अच्छा से भोजन, मटन बनाया और चिकन बनाया और कबाब बनाया है और सब कुछ है, आओ खाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बराबर। लेकिन पहला जो आदमी बोल रहे कि खेत में मोल लिया है, हम देखने जाना है, क्षमा करो मुझे। ये अच्छी बात है, परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया, क्या काम के लिए बुलाया बोलो, भोजन खाने के लिए, क्या करने के लिए, भोजन। अभी ये आराना होने के बाद सबको भोजन है, सबको बैठ के जाओ बोला तुम बैठेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, नहीं पास्टर बोलेगा अरे सबको भोजन बनाया, बोलती रहेंगे आप लोग जाते रहेंगे तो कैसे चलेगा, आमीन, वो भोजन वेस्ट होगा कि नहीं, है ना। यहाँ पर ऐसे ही हुआ, पहले जो आदमी बोल रहे हैं हम खेत में मोल लिया है हम देखने जाने, अरे खाना भोजन खा के बाद में भी जा सकते हैं, बराबर, उनके दिमाग है कि नहीं है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। पहला वाला बोल रहे हम खेत में मोल लिया है हम देखने जाना है इसलिए मुझे क्षमा करो, और दूसरे बोल रहे हैं कि हमने 5 जोड़ा बैल लिया है, जो बैल मतलब तो इंग्लिश में नमा बैल माड़, अदाव काला माटक बुल्लक आट ला, आमा बैल लिया है और उन्हें भरत ने जाता, उन्होंने 5 बैल लिया है, हम उनको भरत ने जाना है ऐसा बोल रहा है, मुझे क्षमा करो। अरे बाद में भी तुम जा सकते हैं, बैल किधर भागेगा नहीं, वो बांध के रखेगा तो आराम से रहेगा, तुम खोलेगा तो वो जाएगा, आमीन। लेकिन इन्हें बोला कि हम क्षमा करो, मैं 5 जोड़ा बैल लिया है हम उसको भरत ने जाना है। और थर्ड जो बोल रहे कि ये बहुत अच्छा अपन हंसने की बात है, थर्ड जो आदमी बोल रहे कि मैंने विवाह किया है, विवाह शादी किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे क्षमा करो। अरे शादी किया तो कोई भोजन के लिए बुलाएंगे, बराबर है कि नहीं। यहां पर कितना लोग शादी बनाए हुआ है, विवाह किया है कितना लोग है, ज्यादा नहीं है सिस्टर, विवाह हुआ फिर हाथ नहीं उठा रहे हैं, आपका हुआ है अभी समझ आए क्या, हालेलुया। अरे नया नया शादी हुआ तो क्या करते जो रिश्ता लोग क्या करते भोजन के लिए बुलाते कि नहीं बुलाते ना, हमारा तमिल में तो कम से कम 3 महीना बहुत लोग बुलाते हैं, बराबर, मेरे घर में आओ मेरे घर में आओ, आज हमारा घर में भोजन है, दोनों को बुलाते हैं। यहाँ पर हुआ कि मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे क्षमा करो, आमीन। यह ऐसा नहीं होना है, परमेश्वर ने भोजन के लिए बुलाया, बड़ा भोजन, आमीन। आखिरी दिन में जो परमेश्वर आने के समय में एक भोजन होने वाला है, आमीन, तभी अपन सब तैयार होना है, ऐसा क्षमा नहीं मांगना है। हालेलुया, परमेश्वर किधर लेके जा रहा है अपने को, कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए।
कहां ले जाने वाले? अपना अपना घर में है? कहां? स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य में अपन जाना है। कितना लोग तैयार है? परमेश्वर आज रात में भी आनंद हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे हालेलुया आमेन। परमेश्वर एक दिन अपने को बड़ा भोजन तैयार करके अपने के लेने के लिए आने वाला है। आमेन। वो भोजन में प्रभु के साथ जाने के लिए अपन सब तैयार होना चाहिए, तभी नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर अरे हमको शादी नहीं हुआ, परमेश्वर हम शादी करके बाद में आते हैं, क्षमा करो, ऐसा नहीं बोलना है। फिर छोड़ कर जाएंगे, सब लोग स्वर्ग में जाएंगे, आप लोग ये पृथ्वी में रहेंगे, नहीं होना चाहिए। आमेन। अगर क्षमा मांगते हैं ऐसा समय में मांगा तो जो लोमड़िया है वो दिमाग देता है। शैतान, शैतान आपका अंदर है, आपका हृदय में कार्य करता है, नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को बात सुनकर अपना वचन के साथ उनके मार्ग में अपन चलना है। शैतान का कोई काम नहीं देना है। परमेश्वर क्या किया है, उनका जो सर को पैर से दबाकर मार मार के डाला है शैतान को। आमीन। कभी उसको जिंदा नहीं आने देने का, परमेश्वर उनको मार मार के डाला है। ऐसा विश्वास के साथ अपन चलना है। प्रभु है हमारा साथ है, यीशु मेरा साथ है, परमेश्वर मुझे आशीष किया है, परमेश्वर मेरा साथ है बोलकर उनके विश्वास में अपन चलना है। अपन चार बात देखा है सृष्टि गीत में, जो 2:15 वचन में अपन देखा है, जो छोटी लोमड़िया ताकू की बारिया में को बिगाड़ते हैं उन्हें क्या करो, पकड़ लो। वचन क्या बोलते हैं, जो त्राकू को बारियो को जो बिगाड़ती है उनको क्या करना, पकड़ना है। शैतान को आज पकड़ कर क्या करना, मार डालना। अपना परिवार में कभी नहीं घुसना चाहिए, अपना कलेशिया में कभी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अपना कलेशिया क्या अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं। किसना लोग विश्वास करते हैं, अपना हिंदी चर्च बढ़ते कि नहीं, हाँ? और नया नया लोग आना चाहिए, आप लोग जाके बताना है अरे यहाँ पर हिंदी चर्च है, आप लोग आओ, वहाँ आकर प्रार्थना करने से प्रभु आपको चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, प्रभु आपको परिवार को आशीष करता है। जाके बोलना है वही काम है। कितना लोग बोला है बाहर जाकर, बताए कि नहीं अपना कलेशी के बारे में, आप लोग समझते हैं, बताए कि नहीं। आमीन। बोलना है, सबको बोलना है। यहाँ पर भोजन है, परमेश्वर का वचन यहाँ बांटते हैं, आओ आओ सब लोग आओ। कितना लोग पहचानते हैं, सबको बोलना है। आमीन। वही काम है अपने को, अपन प्रभु को जानते हैं ऐसे दूसरे लोग भी प्रभु को जानना चाहिए। हालेलुया बोलो। आइए हम अपना सेवा करते हैं, पूरा भारत में सेवा करते हैं, यही काम करते हैं। अरे आओ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं, परमेश्वर आपको शांति देता है। ऐसा सारे जो मिशनरी लोग वही सेवा करते हैं। आमीन। अपन अपन भी करना है, अपन भी बताना है। माँ अपन जो यीशु मसीह को जानते हैं सभी को दूसरे लोग को भी बताना है। आमीन। क्योंकि ये दुनिया है शैतान का जो आत्म है, अपन उनसे हाथ से निकाल कर छुटा कर प्रभु के सामान सम्मुख लेके आना है। वचन बोला कि जो छोटी लोमड़िया डाकू की बारिया में जो बिगाड़ते हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे त्राकू की बारियों में क्या लगा है, फूल लगे है। अपना कलेशिया में अभी क्या है, फूल लगने के समय है। फूल लगने के समय में लोमड़िया अंदर आने से फूल सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर फल नहीं होगा। हालेलुया। अपने फल होना चाहिए। आमीन। फल होना चाहिए, इसलिए लोमड़िया घुसने नहीं देगा। अपना घर में घुसकर घुसाया और परिवार को बिगाड़ेगी। कलेशिया में जो लोमड़िया के बारे में शैतान घुस गया, कलेशिया को बिगाड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर आज बता रहे कि लोमड़िया का सामान परिवार में नहीं तो कलेशिया में, अपना एकताओं में कभी शैतान को अंदर आने नहीं देना चाहिए। अपना एकता होने से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अपने को लाएंगे, प्रभु आगे बढ़ाएंगे। शैतान का जो स्वभाव है हम बताया, चार स्वभाव है, अब लोग बताओ पहला क्या है, अविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वासी को क्या नहीं होना चाहिए बोलो, अविश्वास नहीं होना चाहिए। और दूसरा नहीं क्या नहीं होना चाहिए, गुड़गुड़ाने नहीं करना चाहिए। अब लोग याद करो, कभी बाद में कभी याकूब ब्रदर बुलाए तो हम पूछेंगे मेरा संदेश क्या है। पहला क्या नहीं होना चाहिए, सब लोग जोर से बोले, अविश्वास नहीं होना चाहिए। और सेकंड, गुड़गुड़ाने नहीं करना चाहिए। और थर्ड, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। और चौथा, क्षमा
मांगने नहीं चाहिए। आमेन। जो गलत किया तो मुझे क्षमा करो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में, अरे चर्च में आओ ब्रदर, अरे मुझे क्षमा करो ब्रदर, हाँ मेरे को ये काम है वो काम है, ऐसा क्षमा नहीं मांगना चाहिए। हालेलुया। आप अच्छे से जानते ये चार बात नहीं होना चाहिए। आमेन। प्रभु के वचन में आगे बढ़ो, आप प्रार्थना करो और प्रभु को नाम महिमा करो। प्रभु आपका परिवार को, अपना कलेशिया को आगे बढ़ाएंगे, अपना सेवा भी आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर इस वचन के साथ हम सबको आशीर्वाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 करेंगे। हालेलुया यीशु प्रभु, हम धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आग बंद कर कर प्रभु आज हमारा बीच में वचन बात किया है। ये वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु, जो लोमड़ी शैतान के अंदर हमारा दिमाग में, हमारा परिवार में, हमारा कलेश में नहीं घुसना चाहिए। हम विश्वास के साथ चलना है, गुरुराय नहीं करना है, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, कुछ भी बात के लिए क्षमा कर कर हालेलुया आपका विश्वास को हालेलुया बिगाड़ना नहीं चाहिए प्रभु, ऐसा बोलकर अपन प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल हर ये क्षण तेरी महिमा करते रहे, हर पल हर ये को प्रभु, प्रभु आपका सामर्थ हमेशा होना चाहिए। जो तकलीफ में आया है उनको तकलीफ से दूर कर दो, जो बीमारी में आया है उनको सब चमत्कार करो प्रभु, चंगाई करो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। और इस जो कलेशिया जो चला है, आइए हम ब्रदर याकूब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको उनको परिवार को बच्चे लोग को, और आइए हम सारे सेवक लोग को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेवा काई में आप आगे बढ़ाई इस ओसूर एरिया में प्रभु, आपका नाम महिमा होना चाहिए। पिछले हफ्ता में सारे लोग बीमार था, लेकिन प्रभु आपने चमत्कार चंगाई कर पासवान का परिवार को आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जो दान दिया, दान को अर्पण किया, सभी को आशीर्वाद करना, थैंक यू धन्यवाद। सारे घर में आशीष भर भर कर होना चाहिए, कमीता नहीं होना चाहिए प्रभु, आपका आशीष हर परिवार में भर भर कर होना चाहिए, थैंक यू धन्यवाद। सारे प्रार्थना महिमा गौरव आपको देते हैं, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु येसु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, अच्छा पिता, आमेन आमेन। आशीर्वाद पाएंगे, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु येसु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता सदा हम सबके साथ हमेशा बने रहे, आमेन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए
हालेलुया, 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 सबको धन्यवाद, प्रभु का नाम महिमा हो, आमेन।